तू भी वही सोच रहा है जो मैं सोच रहा हूँ। हाँ मैं क्या बोलता हूँ, आज न्यारी खाते। अबे वो न्यारी का नहीं, मैं कुर्बानी का सोच रहा हूँ। देख यार कितना खूबसूरत जानवर खड़ा हुआ है, साला आज तक हम लोगों ने कुर्बानी नहीं करी। यार बोल तो तू बिल्कुल सही रहा है, हो जाए फिर इस बार। अबे जब ही तो तुझे बता रहा हूँ, चला भाई को चल के बताते हैं। आजा। अबे तुम लोग क्या पागल आगल हो गए हो क्या, मंडी इतनी चढ़ी हुई है, 2-2.5 लाख से कम का जानवर नहीं मिलना, समझा? अबे भाई हम चोर हैं, खरीदेंगे क्यों, चुराएंगे ना। वाड़े किटको पोप, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, जबरदस्त। वैसे भी आज तक हमने कभी कुर्बानी नहीं की है, अच्छा है, फरीजा भी अदा हो जाएगा, गाय भी आ जाएंगी, खाल भी बिक जाएंगी और टिक्का पार्टी भी हो जाएंगी है। अबे लेकिन चुराएंगे किधर से बे? ओ भाई तुम उसकी टेंशन बिल्कुल भी ना लो, मेरे पास एक धांसू किस्म का प्लान है। ए भाई अपने अड्डे के पीछे वाली गली के सीधे हाथ वाली गली के जो उल्टे हाथ पे गली है ना, उसके सीधे हाथ पे एक बेहतरीन किस्म का कैटल फार्म है, एक से एक राप्चिक जानवर है उधर, वहाँ मैंने एक गाय ताड़ी हुई है बेहतरीन किस्म की। शाबाश चल फिर। भाई लेकिन एक मसला है यार उधर। क्या? वहाँ गन लेके ना एक गार्ड बैठा होता है, लेकिन प्लान कुछ इस तरीके से है, हम वहाँ पहुँचेंगे, मैं पीछे से गार्ड के मुंह पे रुमाल से बेहोशी की दवा लगा के उसे बेहोश कर दूंगा और फिर। अबे ब्रेक मार, अगर उसने हाथ हटाकर तेरे ऊपर गन रख दी तो। वाह भाई इसीलिए आप भाई हो। भाई देख लेंगे ना गार्ड का यार बाद में, अभी आगे का प्लान तो सुनो ना यार तुम। हाँ बोल। बस आपने कुछ भी नहीं करना, गाय के पास पहुंचना है, रस्सी काटनी है और गाय को लेके आ जाना है। गाय लेके आ जाना है? अबे कैसे? बाइक पे भाई, हम तीनों बाइक पे जाएंगे ना। अबे बाइक पे कैसे गाय को लेकर आएंगे, पागल आगल हो गया क्या? बाइक पे थोड़ी आएगी भाई, हम रस्सी पकड़ के उसको अपने पीछे भगाएंगे। भाई बड़ा ही घटिया प्लान था भाई। भाई मैं बताऊं, भाई हम तीनों साथ में जाएंगे सामने गार्ड। अबे भाई तू रहने दे यार, तू जब तक बताएगा ना पूरी बकरीद गुजर जाएगी। अब प्लान सुनो, अपने अड्डे के पीछे वाली गली की सीधे हाथ वाली गली की जो उल्टे हाथ वाली गली है ना, उसके सीधे हाथ पर है कैटल फार्म। हाँ भाई अभी बताया था ना मैंने ये। अबे सुन ले पहले। खैर वहाँ एक से एक राप्चिक जानवर है, वहाँ एक गाय है बेहतरीन किस्म की, ताड़ी हुई है मैंने। भाई ये तो मेरा वाला प्लान है। अबे सुन ले, बहुत अलग है, अब अगर रोका ना तो तेरी सांसें रोक दूंगा, समझा? खैर कहाँ था मैं, गाय पीछे गली में, हाँ गाय ताड़ी हुई है, लेकिन एक मसला है, वहाँ बैठा है एक गार्ड जिसके पास गन है। अब प्लान सुनो, ठीक 12:30 बजे गवर्नमेंट स्कूल की छुट्टी होगी, सलमा को ताड़ते हुए पहुंचेंगे कैटल फार्म पे। हकले तू जाएगा गार्ड के पास और गार्ड को डिस्ट्रैक्ट करेगा। ओके भाई। अबे वो डिस्ट्रैक्ट का मतलब पता है तुझे? नहीं। अबे तो पूछना, डिस्ट्रैक्ट का मतलब है तू गार्ड का ध्यान हटाएगा कुछ भी करके, कोई पता वता पूछ लियो गार्ड से। कौन सा पता भाई? अबे कोई सा भी पता पूछ लियो भाई। भाई जितनी देर में तू पता पूछेगा हम दोनों को 15-20 मिनट मिल जाएंगे, हम आहिस्ता से गाय के पास जाकर रस्सी गाड़ के गाय को ले जाएंगे। भाई रस्सी काटने के लिए कैंची मैं लेके आऊंगा भाई। हाँ ले आइयो खुश अब। ये लो भाई। अबे ये रस्सी काटने के लिए लाया है नाक के बाल? यही मिली थी भाई। चल चल जल्दी कर रस्सी खोल, दांतों से काट, दांतों से काट। Thank you.
ओए, तूने भी वही ख्वाब देखा जो मैंने देखा? हाँ, मैं भी तो तेरे साथ उसी ख्वाब में था। बहुत मार पड़ी है यार। वाकई यार, ऐसा लग रहा है जैसे असल में कुटाई हुई हो। और कैसे सब साले गायचोर बोल रहे थे हमको? हैं? गायचोर? अबे तूने क्या ख्वाब देखा है? मैं तो तेरी अबे जल्दी सुना, एक काम कर, गा के बता, गा के। हाँ, मैं तो तेरी भाभी के घर पे गया था, तू पहरा दे रहा था और छापा पड़ गया। बहुत कुटाई हुई यार। अबे पागल आदमी, मैंने ये ख्वाब देखा कि लोगों ने हमें गाय चुराने पे पकड़ लिया है और सब लोग कह रहे थे गाय चोर के चोरी की गाय कर ली हम लोगों ने और चोरी की तो कुर्बानी नहीं होती। और वाकई में चोरी की, उधार के पैसों की और हराम के पैसों की तो कुर्बानी जायज़ ही नहीं है। साला ये बात पहले कैसे हम लोगों के दिमाग में नहीं आई? फिर अब क्या करना है? क्या करना है, अब चुरा लिए तो चुरा लिए। मेरा शहजादा बेटा, खाना खा ले, शाबाश, 4 दिन बाद तुझे खाना है। ए शौकत के लौंडे। जी भाई। बेटा 4 दिन रह गए ईद में, कसाई वसाई का पता कर ले, बाद में भारी हो जाते उनके। अबे भाई कसाई क्या जरूरत है, हम तीनों मिलके काटेंगे ना। चल भाई शाड़े, जानवर खोल अपना। अबे चल निकल, मेरी गाय। अबे दे दो भाई, जान से बढ़ के थोड़ी है, हमने भी तो चोरी करी थी ना। हाँ चुराई तो थी, लेकिन इतने दिनों से साथ है ना, तो ऐसा लग रहा है घर का फर्द है। ओए चुपचाप निकाल, वरना सारी की सारी उतार दूंगा। दे दो भाई। अरे चलो अल्लाह पूछे। क्या वक्त आ गया साला, चोरों को ही लूट लिया। अबे भलाई का तो जमाना ही नहीं है। खैर अब भाई, जान तो बच गई ना, पता नहीं किस हाल में रखेंगे मेरी चम्मो को। अबे बहुत याद आ रही है मुझे उसकी, कुर्बानी भी रह गई यार। भाई शायद अच्छा ही हुआ है, चोरी की तो वैसे भी कुर्बानी नहीं होती है। आप परेशान ना हो, अगले साल ना इंशाल्लाह हम लोग हलाल के पैसों की अपनी कुर्बानी करेंगे। आज भी मेरे ख्यालों की तपिश जिंदा है, मेरे गुफ्तार की दलीज पे तपिश पे जिंदा है। बे हमसे गाय छीन के ना ये फार्म के पते पे पहुंचा दियो, ठीक है? हाँ ठीक है, लेकिन मेरे पैसे? पैसे काम होने के बाद। बाद में, चल 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 निकल। साहब यही था जिसने मुझसे पता पूछा था, इसने चोरी करी हमारे जानवर। अबे वो जाके देख ले, तेरी गाय वापस पहुंच गई होगी। क्या मतलब बे वापस पहुंच गई होगी, चोरी तूने करवाई थी? नहीं नहीं भाई, मैं मतलब आपको बताने वाला था। भाई मेरी बात सुनो। साला ये तो काय खत्म नहीं होता बे, देख रहे हो साहब मालिक से गद्दारी। मैं चुप बे, तो ये तो हम वैसे ही बहुत अरसे ढूंढ रहे थे, साले आज पकड़ में आया है। आना साहब ले जाओ, ठीक है, लेकिन एक बार बता दो, ये मेरा यहाँ अड्डे का पता बताया किसने? इसने जो मुझसे पता पूछा था। प्लॉट नंबर 6 बंदरघाट मक्की कॉलोनी, किधर है? वो यहीं का था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिए।